तो वहीं सुपौल जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक खेत में गया हुआ था और इसी दौरान अपराधियों ने किसान की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात अपराधियों पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। घटना सुपौल के जदिया थाना क्षेत्र की है। तो वहीं मोतिहारी के केसरिया थाना ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, 3 कारतूस और एक बाइक भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर थाने ले जा रही थी तो ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को रोककर हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों का मानना है कि पुलिस अपराधियों से लेन देन कर उन्हें छोड़ देती है, लेकिन पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लैकन के सहयोग के साथ हम खेत के हम सब लोग पकड़े हैं। पकड़ने के क्रम में ये अपना हथियार कहीं फेंके है, खोजने में नहीं मिला है। इसको हम थाना पर ले जा रहे हैं। विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी होगी, इसको नहीं। तो इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ सुपौल से हमारे संवाददाता धनंजय जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता मोतिहारी से धनंजय जुड़ चुके हैं। और क्या कुछ धनंजय इस पर अभी सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि जब अपराधियों को गिरफ्तार कर थाने ले जाया जा रहा था तो वहां पर ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करती है। क्या कुछ वहां पर निकल कर सामने आ रहा है धनंजय जी? ग्रामीणों का ये भ्रम था कि पुलिस के द्वारा जो 3 अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है जी, और उनके पास से जो बड़ी मात्रा में हथियार कारतूस वगैरह जो बरामद किया गया है उसको लेकर स्थानीय पुलिस जाएगी और बीच में अपराधियों को, इसी वजह को लेकर, इसी कारण से ग्रामीणों ने पुलिस के साथ जी जी धनंजय ऐसा किया है जी। तो उन 3 अपराधियों को अब क्या गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या उन्हें जेल भेज दिया गया है धनंजय? जी हाँ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वही वैशाली जिले के महुआ प्रखंड के मानपुरा गांव में 25 वर्षीय दिव्यांग कौशल साहनी की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि कौशल साहनी मुंबई में मजदूरी कर प्रति माह 8,000 से 10,000 रुपए महीने कमाता था, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन कुपोषण के वजह से अब कौशल को पैरालिसिस अटैक के कारण उसके शरीर का 75% हिस्सा काम करना बंद कर दिया है, जिसके बाद कौशल के परिवार वाले मदद के लिए बड़े बड़े राजनेताओं के दरवाजे तक गए, लेकिन किसी ने कोई खास मदद नहीं की। तो वहीं जमुई जिले के आदर्श थाना झाझा में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि सरस्वती पूजा में इस बार डीजे बजाने और अश्लील गानों को बजाने पर प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है। प्रशासन ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से पूजा कमेटी की होगी। पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से जो थोड़ी सी सख्ती और निगरानी रखनी है उसको रखा जाएगा। डीजे वगैरह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है, तो सबको इस आलोक में सूचना दे दी गई है कि डीजे लेकर कोई विसर्जन के लिए नहीं निकलेगा। विसर्जन की तिथि, समय और रूप जो निर्धारित किया जाता है थानाध्यक्ष के